गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से पहले हिंदी में हमने कई सारे टॉपिक पढ़े, जैसे संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया, काल। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है अपठित गद्यांश। वह है अपठित गद्यांश, जिसे हम इंग्लिश में अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज यानी कि जिसे हमने कभी देखा नहीं, रीड नहीं किया। अपठित गद्यांश, पहले हम लेते हैं इसका अर्थ। अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? यदि हमने अर्थ को अच्छे से समझ लिया तो हम जान जाएंगे कि इसमें हमें करना क्या है और किस तरीके से इसमें एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं तो हमें उससे सॉल्व आउट करना है। तो पहले है अपठित और दूसरा नाम है इसका गद्यांश, अपठित गद्यांश। अपठित का अर्थ क्या होता है? अपठित का अर्थ क्या होता है? तो पहले हम देखते हैं कि अपठित शब्द भी दो शब्दों के मेल से बना है। अपठित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है अ यानी नहीं, पठित पढ़ा गया हो। अ का अर्थ होता है नहीं, यानी कि जो आ का अर्थ हमने निकाल लिया नहीं, और पठित का अर्थ हो गया कि पढ़ा हुआ हो या पढ़ा गया हो या पढ़ा हुआ, यानी कि अपठित का अर्थ हो गया जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, जो पहले नहीं पढ़ा गया हो। अर्थ बन गया इसका जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, अर्थात वह कह सकते हो किसी नाटक का भाग, किसी कहानी का भाग, किसी निबंध का भाग आपके एग्जाम में आता है जो आपने कभी भी पहले नहीं पढ़ा हो, वो आपके सामने पहली बार आया है, उसमें से आपको क्वेश्चन पुट करे गए हैं, तो वह अपठित जो पहले नहीं पढ़ा गया हो क्या? गद्यांश। गद्यांश का अर्थ, गद्यांश का होता है गद्य का अंश, गद्य का अंश, कोई भी पाठ का भाग, पाठ का अंश, नाटक का भाग, किसी कहानी का भाग, किसी निबंध का भाग जो कभी पहले नहीं पढ़ा गया हो। तो हमने अपठित गद्यांश का अर्थ निकाला, अपठित का निकाला कि जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ निकाला गद्य का वह अंश जो हमने पहले कभी भी नहीं पढ़ा हो, वही हमारा गद्यांश कहलाता है। तो परिभाषा के रूप में हम अगर इसे देखते हैं तो गद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, परिभाषा हमने लिखी। गद्य का वह अंश जो पहले न पढ़ा गया हो, वह अपठित गद्यांश, वह क्या कहलाता है? अपठित गद्यांश यानी कि गद्य का भाग कहलाता है। अर्थ में हमने देखा अपठित शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। अ का अर्थ होता है
नहीं, और पठित का अर्थ होता है पढ़ा गया हो। हमने इन दोनों का अर्थ निकाला जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, जिसे हमने आज से पहले कभी पढ़ा ही नहीं हो, आज उससे हम पहली बार पढ़ रहे हैं, वह हमारा अपठित गद्यांश कहलाता है। गद्य का अर्थ हमने निकाला गद्य का अंश, गद्यांश का मतलब गद्यांश, नाम से निकाल रहे हैं गद्यांश, गद्य का अंश। परिभाषा के रूप में हमने दोनों का अर्थ निकाला कि अपठित प्लस गद्यांश, इन दोनों को मिला दिया तो नाम हो गया अपठित गद्यांश। इसका अर्थ क्या होता है? तो अपठित गद्यांश का अर्थ होता है कि गद्य का वह अंश जो पहले ना पढ़ा गया हो, वह अपठित गद्यांश कहलाता है। अपठित जो हमने पठित यानी पढ़ा नहीं हो। अब हमने ये परिभाषा देखी, अर्थ देखी, अब अपठित गद्यांश होता क्या है, इसमें क्या करते हैं? तो अपठित गद्यांश होता है किसी न किसी कहानी, किसी न किसी निबंध, किसी न किसी कह सकते हो आप नाटक का भाग होता है। इसमें आपको एक 10 लाइन 15 लाइन दे दी जाती है और उसमें से आपको उसको अच्छे से पढ़ के समझना होता है। उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न दिए गए होते हैं, उसका उसी जो आपको गद्यांश दे रखा है उसको पढ़कर उसके उत्तर देने होते हैं। अब है कि अपठित गद्यांश का हम क्या करते हैं, क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों आवश्यकता है इसकी? तो अपठित गद्यांश के द्वारा क्या होता है कि वहाँ जो प्रश्न दिए हुए होते हैं हमारे, जैसे आपके एग्जाम में एक अपठित गद्यांश आ गया और आपको दे दिया गया मोर पे दे दिया गया फॉर एग्जाम्पल, अब आपको बता दी गई पूरी मोर की विशेषताएं, मोर है हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, यह बारिश के मौसम में नाचता है, इसके पंख बहुत सुंदर होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, इस तरीके से काफ़ी 10 से 15 लाइन आपको एग्ज़ाम में दे दी जाती है। अब आपको कहा जाता है कि जो भी इन्होंने लाइंस दी उसमें से आपको काफ़ी सारे प्रश्न दिए जाते हैं कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है और वह कौन से मौसम में ज़्यादा वो मतलब गाता है या कौन से मौसम में डांस करता है, नाचता है, इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से की जाते हैं। तो वही क्वेश्चंस हमें जो हमें 10 से 15 लाइंस दी हुई है उसमें से ढूंढ के करने होते हैं। अब इससे इससे छात्रों की लिखने प्लस बोलने यानी कि मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। किस तरीके से होता है? जब आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना होता है, उन प्रश्नों के उत्तर अपनी भाषा में सरल और सुंदर शब्दों में देने होते हैं। आप जब उनके उत्तर सरल और सुंदर शब्दों में देते हैं तब आपकी मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति का विकास होता है। ये सभी हम आगे और देखेंगे किस तरीके से अपठित गद्यांश में हम लोग प्रश्न किस तरीके से इसको पढ़ते हैं, किस तरीके से इसमें आए हुए प्रश्नों के उत्तर हम हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें अच्छे से समझना है कि अपठित शब्द दो शब्दों के मेल से बना, यानी नहीं पठित जो हमने पहले नहीं पढ़ा हो, अर्थात गद्यांश गद्य का वह अंश जो हमने पहले नहीं पढ़ा हो, गद्य का वह अंश जो हमने पहले नहीं पढ़ा हो हमारा गद्यांश कहलाता है। गद्यांश ये किसी न किसी कहानी का, नाटक का, निबंध का भाग हो सकता है और इसके द्वारा छात्रों की भाषा में भी पकड़ होती है, भाषा में पकड़ कि आप अपनी भाषा में लिखेंगे। कोई भी प्रश्न आपके सामने पूछा जाता है, सपोज़ करिए मैंने बताया आपको मोर का, तो आपसे पूछा जाता है कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, अब आप एक तो डायरेक्टली उत्तर लिख सकते हो मोर, एक आप अपनी भाषा में उसको करके लिखते हो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, तो आपने जो 2 से 3 शब्द जोड़े वो आपने क्या किया, अपने आप जोड़े, अपने आप की अभिव्यक्ति आपने उसे लिखित की, तो हुआ क्या, इससे आपकी लिखने की अभिव्यक्ति का विकास हुआ प्लस भाषा में आपकी पकड़ मजबूत हो रही क्योंकि आप अपनी भाषा में उसको लिखने का प्रयास कर रहे हैं। और जब व्यक्ति अपनी भाषा में लिखने लग जाता है, शब्दों को अपनी भाषा में ढालकर लिखने लग जाता है, तो वह किसी न किसी तरह का निबंध, किसी न किसी कहानी को अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकता है, उसे रटने की आवश्यकता नहीं होती, वह खुद अपनी भाषा पे पकड़ बना लेता है। तो वह एक बार कोई ना कोई चीज़ को समझकर उसे अपनी ही भाषा में अभिव्यक्त कर सकता है, उसे अपनी ही भाषा में
लिख सकता है। अब है कि अपठित गद्यांश, हमने पढ़ लिया अर्थ, हमने देख ली उसकी परिभाषा, अब है हमने ये भी पढ़ा कि अपठित गद्यांश है उसमें लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करने का विकास होता है। अब है कि अपठित गद्यांश में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, और अपठित गद्यांश में प्रश्नों के प्रकार किस तरीके से आ सकते हैं। तो हमने देखा कि अपठित गद्यांश का अर्थ, परिभाषा, अब देखते हैं प्रश्नों के प्रकार किस तरीके से अगर ये आता है तो हमसे पूछे जाते हैं। गद्यांश में क्या होता है कि आपको 10-15 कुछ लाइंस में दिया जाता है, जैसे हम देखते हैं यह है गद्यांश। गद्यांश में प्रश्नों को किन तरीकों से पूछा जा सकता है? तो पहला प्रश्न पूछने का तरीका होता है कि आपको गद्यांश दे दिया गया और गद्यांश में ही कहा जाता है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर, जो आपको नीचे प्रश्न दिए हुए हैं, उनके उत्तर गद्यांश में से ही ढूंढकर लिखिए। तो होता है गद्यांश में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला हो जाता है गद्यांश में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कहने का यहाँ तात्पर्य यह है कि आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, गद्यांश में नीचे कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है, और उस गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने के बाद में जो नीचे प्रश्न दिए गए हैं उसके उत्तर उसी गद्यांश में से ढूंढकर आपको लिखने हैं अच्छे से। दूसरा तरीका होता है आप लोगों को कि बहुविकल्पी ऑप्शंस दिए जाते हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस, जिसमें आपको बताया जाता है कि आपके सामने बहुत सारे विकल्प दिए गए हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन है, अब उसमें ऑप्शन दिया जाता है क मोर, ख कबूतर, ग कुछ भी दे दिया, दूसरा पक्षी का नाम है, कोआ है, तोता है, कोई भी नाम लिख दिया गया। आपको क्या करना होता है, जो करेक्ट है उसके सामने या तो राइट का निशान लगा दीजिए या उसका जो ऑप्शन है कि भी क में हमारा मोर दिया हुआ है वह हमें भरना है। तो इसमें होता है विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर या तो सही का निशान लगाइए या सही विकल्प भरिए। विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर या तो हो सकता है सही का निशान लगाएं लगाइए और या फिर हो सकता है कि सही विकल्प को चुनकर भरिए। फर्स्ट तरीका हुआ आपका गद्यांश में से ढूंढकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपका 10 लाइन का गद्यांश दिया हुआ है, उसमें आपको 2-3-4 प्रश्न दे दिए गए, उन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको इस गद्यांश में से रीड कर कर पढ़ कर आपको उसके उत्तर देने होते हैं। दूसरा होता है आपको मल्टीपल चॉइस, विकल्प दे दिए जाते हैं, उसमें से जो सही विकल्प होता है वह अपसदक के रूप में हो सकता है, आपको राइट का टिक मार्क करने के लिए दिया जा सकता है, हाँ ना में नहीं उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है। तो इस तरीके से गद्यांश में हमें दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार आपको गद्यांश में कहा जाता है कि आपको शीर्षक लिखना है, शीर्षक, तो शीर्षक लिखने के लिए हमें गद्यांश में सबसे पहले क्या करना होता है, उसे अच्छे से पढ़ना होता है, उसके मूल भाव को समझना होता है, उसके बाद में हमें उस गद्यांश में किसके बारे में कहा गया है वही हमारा शीर्षक होता है। लेकिन गद्यांश को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, गद्यांश के प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए, हमारी भाषा को सुंदर सटीक शब्दों में लिखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।
कि गद्यांश को पढ़ने के लिए, गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर करने के लिए, गद्यांश में आए हुए विकल्पों का चयन करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, गद्यांश को हम किस तरीके से सॉल्व करें या किस तरीके से उसके प्रश्न के आंसर लिखें कि हमारा गद्यांश जो है या हमारे जो गद्यांश में लिखे गए उत्तर है वह बहुत ही अच्छे, सटीक और सुंदर भाषा के अंदर हो। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।